मिले उसे सीरियसली आज। ओ नंबर की और आलू चला के जाए। हाँ और आलू आलू चला का और आलू क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज है, हमारे पिता मेघराज यादव उदयपुरा के निवासी कृषक हैं और जो बजाज पावर प्लांट द्वारा हमारे जो खेत को खोद दिया गया आधी रात को, उसके बाद में जो राख भी डाल दी गई और रोकने पर आश्वासन दिया गया कि आपकी जो ज़मीन है उसको बाद में मैं दिलवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो पाने के कारण और राख डालते गए और आज यही मुकाम पर मतलब पहुंचे हैं कि जो खेत में अभी चना की फसल बोई हुई है वो नष्ट हो गई है, उस पर राख की परत बन गई है और खेत में राख धकेल दी गई है आधी रात को, जिसके संबंध में हमने डीएम साहब को अभी भी मतलब ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मतलब आप इस पर कार्रवाई होगी। एवं महोदय से हमारा अनुरोध यही है कि हमारे जो कितने एकड़ में बोई थी फसल, कितना का नुकसान? एक एकड़ में मतलब फसल बोई हुई है और जो 15 डिसमल एक्स्ट्रा उन्होंने पहले से हमारी खोद ली गई थी तो उसके बारे में शिकायत भी की है। कितने तो का नुकसान हुआ है आपका? हमारा 80% नुकसान हो चुका है। लगभग लागत कॉस्ट कितनी होगी इसकी? लागत ऐसा है कि मतलब जब एक एकड़ में वही जाए तो करीबन 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान उसने, क्योंकि आज के समय 100 रुपये। अरे इलाके में, आपके इलाके में कई किसानों के खेतों में राख डाल दी गई पावर प्लांट की, ये दादागिरी सामने आती है हर बार और लोग शिकायत करते हैं, प्रशासन कार्रवाई नहीं करते, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में हमारा यह है कि जो प्रशासन द्वारा जो भी है उनके प्रतिनिधि, पावर प्लांट के जो प्रतिनिधि होते हैं वो सांठ गांठ में रहते हैं और पैसे से मतलब धन बल के साथ लोगों पर गुंडागिरी भी करवाते हैं, पुलिस से धमकी भी दिलवाते हैं वो लोग, जिससे किसान दब जाता है और किसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम घंटा घर पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, परिवार सहित बैठेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आमरण अनशन करेंगे।